ये भी चलाता है ना ऑटो, यासी ऑटो चलाता है कश्मीर में। कैमल राइड है, हॉर्स राइड है, टॉय ट्रेन है इसमें। कैमल राइड का कितना लेते हो? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू फ्रेश व्लॉग। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज का व्लॉग जो है पूरा रहेगा चंडीगढ़ के। जैसे कि आपने कल देखा कि हम जम्मू से जो है चंडीगढ़ ट्रैवल करके आए और फिर थोड़ा सा नाइट आउट में भी थे। तो अभी जो है हम आज पूरा दिन चंडीगढ़ में बिताएंगे, देखते हैं कैसा क्या सीन रहता पूरे दिन का। फिलहाल सीन ये है कि हमने जो है अभी ताज़ा तरीन ब्रेकफास्ट जो है कर लिया है, और ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट, ये जो अभी कंप्लीट कर लिया है। मनु भाई अभी फिर से वापस बेड पे जा चुके हैं। मनु भाई बेड पे क्यों वापस? ब्रेकफास्ट हो गया कंप्लीट भाई हमारा। अच्छा, कैसा था? बढ़िया था। तो जो है सब लोग रेडी हो चुके हैं, फ्रेश लग रहे हैं सभी है। देखे ये अपने मनु भाई एकदम हीरो। मैं क्या मॉडर्न शो कर रहा हूं, और मैं भी जो है तैयार हो चुका हूं। और मैं भी छोटा मोटा हीरो। बिल्कुल बिल्कुल। और निकल रहे हैं हम अभी यहाँ से रूम से ना, नाइट पे यहीं स्टे करेंगे। फिलहाल देखते हैं दिन भर में किराया प्रोसेस रहता है। बाय कर लो बाद में। राहुल हम जा रहे हैं। इमी भाई कहाँ जा रहे हैं? हम पिंजोर पार्क। हाँ, पिंजोर पार्क, पिंजोर, पिंजोर पार्क पे यहाँ पे कहीं आसपास है। और हमने सोचा गाड़ी नहीं लेके जाएंगे, हम जाएंगे भाई वॉक। क्यों मनु भाई? हाँ भाई, जब एक्सप्लोर करना है तो अच्छे से ही करना है, ठीक है? तो वॉक करते करते गाड़ी जाएंगे। जाना है उस साइड से, कुछ चीज़ें दिख रही हमें उस साइड से जाएंगे। और फिर उन्होंने बोला यहाँ से 1 किलोमीटर लगभग दूर है पिंजोर पार्क, तो वहाँ पे जाएंगे, देखते हैं वहाँ के सीन्स क्या रहेंगे। और इमी भाई गए थे वापस, और कुछ यहाँ पे दोस्त भी मिले थे हमें जिनके साथ हमने फोटोज़ वगैरह क्लिक करें। और इमी भाई जो है वापस गए थे गिम्बल लाने, ये भूल गया था भाई गिम्बल लाना, ठीक है? इमी भाई आपको सुकून नहीं आता है गाड़ी के बिना, है ना? नहीं, ऐसा किसने बोला? आप तो बोल रहे थे 1 किलोमीटर को भी गाड़ी को जाएंगे, आपको भी पता है। इसीलिए फिर आपको सुकून नहीं आता ना गाड़ी के बिना, आपको पता है चलने में कितनी दिक्कत होती है। मज़ा है लेकिन यहाँ पे जो मौसम है गर्म ही रहता है हमेशा, तो यहाँ पे ज़्यादा मज़ा चलने को नहीं। लेकिन अभी हमारी डेस्टिनेशन 1 किलोमीटर की दूरी पे है, तो ये इजी होगा हमारे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बिल्कुल, तो बने रहें, देखते हैं पिंजोर पार्क जो है, सॉरी पिंजोर पार्क जो है वो कैसी होगी, आपके साथ विजुअल जो है शेयर करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। चलावा तूफान है, इसको चलाने दे दो। ये भी चलाता है ना ऑटो, यासी ऑटो चलाता है कश्मीर में। वाह मस्त है यार। अभी जो हमने रिक्शा करी है वहां तक, क्योंकि अभी भी 2 किलोमीटर बता रहे थे। पिंजोर गार्डन, तो अभी देखते हैं क्या सीन रहेगा यहाँ पे। करेंगे इमी भाई एंट्री, बताओ लेंगे टिकेट्स। एंट्री में क्या-क्या है? गार्डन जाने का है, खाली घूमने के लिए। कितने लोग हैं? 100 लेते हैं, डबल बैठे 200 लेते हैं। ये पार्क की एंट्री हमें मिल चुकी है, और हम हो रहे हैं पार्क में एंटर भाई। जब हम पार्क में एंटर हुए तो स्टार्टिंग में हमें लगा कि पार्क बहुत छोटी है, बट ट्रस्ट मी जब हम एंटर हुए इसमें पूरी तरह तो ये बहुत ही बड़ी थी। ये मुगल गार्डन शैली का एक उदाहरण है, और इसे पतियाला रजवंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। यह उद्यान अंबाला से शिमला रोड पर चंडीगढ़ से 22 किलोमीटर दूर पिंजौर घवू में है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में वास्तुकार नवाब फिदय खान ने अपने पालक भाई औरंगजेब और 1658 से 1707 के शुरुआती शासनकाल के दौरान किया था। द पिंजोरे गार्डन इज ऑल्सो नोन एज यादविंदर गार्डन, विच इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स वेल मेंटेन्ड ग्रीनरी, रिफ्रेशिंग फाउंटेन्स एंड मेसमराइजिंग वाटर बॉडीज। शीश महल भी है। किसकी मजाल जो हमारे बगैर इसके ऊपर चढ़े, वो बच्चे के बगैर।
और इमरान के बगैर एंटर कर लिया है। काफी जबरदस्त पार्क है, छोटी मोटी है। ओ, बिल्कुल भाई, बिल्कुल जबरदस्त पार्क है भाई। और स्पेशली हमारे शीश महल, क्या है आइला शीश महल, वाह द शीश महल भी होता था ये मैंने शीश महल। इसकी स्टोरी ना आपको ऐसे लिखी है कि ऐसे ऐसे ऐसे, अब आप आराम से अंदर से हम एक्सप्लोर करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इसका ताला खोलने की, लेकिन अलाउ नहीं है। ताला तो खोलेंगे लेकिन ऊपर भी दिखा हुआ कांच लगे हुए ऊपर है ना, यही तो है शीश महल। महल जा रहे हैं शीश महल के बाद आता है हमारा रंग महल। रंग महल, रंग महल, रंग महल। और आगे आइए, मैं आपको कुछ सीन दिखाता हूँ। कुछ सीन काफी जबरदस्त। मैं अभी तक बोल रहा था छोटी पार्क से छोटी पार्क करके, बहुत अभी इतनी बड़ी पार्क है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से वापस आने में पता चलेगा। तो यहाँ से जाएंगे हम नीचे, और रास्ता कुछ ऐसे है क्योंकि नीचे की सीन जबरदस्त है भाई। और मन्नू भाई जो है ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं, और यहाँ से ये एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल कह लो कुछ ऐसे दिखता है। चलो कोई ऐसी जगह तो मिली जहाँ पे थोड़ा सा सुकून मिल पाए। पब्लिक बहुत ज़्यादा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, और आपको पता ही है भीड़ भाड़ हमें पसंद नहीं है। पार्क के कुछ सीन्स नीचे के ऐसे हैं, और ये पेड़ यार मुझे कितने पसंद है एमी भाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए क्या हिसाब किताब। हिसाब तो बढ़िया है, बढ़िया, और मौसम भी उतना ज़्यादा गर्म नहीं है, आपको क्या लगा? हाँ हाँ, थोड़ी सी हवा चल रही है। मन्नू भाई का तो अभी भी पता नहीं है, मन्नू भाई अभी भी ऊपर ही बैठे हैं, समझ नहीं आ रहा है। मन्नू भाई अभी तक मिसिंग थे, कहाँ था बे तू? मैं कुछ दोस्त मिले थे, उनके साथ बिजी रहा मैं। अच्छा अच्छा। और इमरान भाई दोनों बोल रहे हैं कि यहाँ से निकलते हैं, और मुझे भी सिर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, इसलिए जो है पहले मैं दवाई लेता हूँ, तो निकलते हैं यहाँ से। ठीक है मनु भाई? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो रूम पे जो है हम वापस आ चुके हैं, और अभी हम दिखाएंगे आपको हमारे होटल का बाहर का व्यू और इंटीरियर थोड़ा सा। नहीं, आपको भी थोड़ा सा दिखाएंगे बाहर का व्यू, थोड़ा सा नाइट व्यू यहाँ पे। तो रूम भाई, बिल्कुल भाई, जरा सा यहाँ पे पार्किंग एरिया में, पार्किंग एरिया, और यहाँ पे ना गार्डन भी है, मैंने देखा था, तो गार्डन एरिया भी है, वहाँ पे भी हम जाएंगे। पूरा रिसेप्शन जो है तैयार है ना मनु भाई? काफी अच्छा लग रहा है, बस दूल्हा दुल्हन की कमी है। ये रहा होटल का बाहर का व्यू कुछ इस तरह। प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, ग्रीन यार्ड है यहाँ का, और काफी बड़ा है, यहाँ पे हम क्रिकेट भी खेल सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको झूला झूलना है या रस्सी के ऊपर चलना है, ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। बट ये बच्चों के लिए, ये बच्चों का खेल नहीं है भाई, इमरान का खेल था। कशीर पट हम इसको बोलते थे, कशीर खेर, क्या चला खेर रेस्टोरेंट सुई गए। यहाँ पे हमने कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लिए जो कि कुछ ऐसे हैं। तो दोस्तों फाइनली जो हम रूम पे आ चुके हैं, अगर आपको किसी भी एंगल से आज का व्लॉग पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और हाँ, डेली की तरह अगर आप फेसबुक से देख रहे हो तो फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे किसी ऐसे ही चटपटे व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।